नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसबीआई में कल का क्या लेवल्स होगा जिस पर हम सब कल ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे टोटल डायग्राम आप लोगों को बना करके दिया हुआ है, ए टू जेड डायग्राम, जो कल के दिन कल के ट्रेडिंग में होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन गया हुआ है। जब आप इसको वन मिनट टाइम फ्रेम में जब आप गुजारेंगे तो उस परिस्थिति में देखिएगा, यहां से ये जो हाइक जो मारा है, यहाँ इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे, ये वन मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे जबरदस्त जो है, जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस लेकर के नीचे आया, पहले तो यहाँ से ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर इस जगह आया था। ठीक है, वन मिनट टाइम फ्रेम में आप जब देखेंगे तो इसी जगह को ब्रेक करके काफी तेज भागा था। ठीक है, इसी जगह को ब्रेक करके और फिर से रीटेस्टिंग किया इसका और फिर से भागा। ठीक है, आने के बाद किया क्या कि इसी जगह पे आकर के कुछ देर होल्ड किया था। ठीक है, होल्ड करने के बाद फिर ये नीचे गिरा। ठीक है, नीचे गिरने के बाद इसी जगह का रेसिस्टेंस बना करके अभी इसके नीचे वर्क कर रहा है। तो एक जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये वन मिनट टाइम फ्रेम में है। और सेकंड, ये वाला जो जोन है 326.70 से लेकर के 326.35, ये वाला जो जोन आप जो देख रहे हैं ना, ये जोन आपका, ये भी वन मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, वन मिनट टाइम फ्रेम में, एक मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही कोई एक मिनट का कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देगा, वैसे ही आप जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो इस जगह पे सेल का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये सब जो जोन है 336.50, 337, ठीक है, 331.50, 332.50, 324 और 322.50, ये सब जो जोन है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाया हुआ है। ठीक है, ये टोटल 15 मिनट में है, ये भी 15 मिनट में है। ठीक है, लेकिन ये दो जो एक ट्रेंड लाइन आपका, एक ये वाला जोन, ये दोनों वन मिनट में बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका रिस्की ट्रेडर इस जगह पर ट्रेड कीजिएगा, जो रिस्की ट्रेडर है। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर है वो कहां पर ट्रेड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को देखना होगा कि आप लोग रिस्की ट्रेडर हैं या सेफ ट्रेडर हैं। ठीक है, क्विक मूवमेंट लेना है या फिर जो है आराम आराम से लेना है, तो ध्यान दीजिएगा, मार्केट दो ही सिनेरियो अपना सकता है, या तो इसको ब्रेक कर दे, ये वाला चैनल को 324 से 322.50 वाला जो चैनल है इसको ब्रेक कर दे, या फिर यहां पे मार्केट जाए, ऐसे ऐसे जाए और रेसिस्टेंस इस जगह का लेने लगे, 331.50 और 332.50 का रेसिस्टेंस लेने लगे, तो कोई एक बियरिश कैंडल जब फॉर्म हो, उस बियरिश कैंडल के लो पर आप सेल मार सकते हैं। पहला टारगेट उस परिस्थिति में ये होगा 324 से 322.50 का। ठीक, दूसरा जो टारगेट होगा, इसके नीचे का जो टारगेट होगा वो काफी बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, वो काफी बड़ा है। वो जो टारगेट है 310.75 से लेकर के 308 का ये जोन है इसके नीचे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसा आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, बाई कैसे होगा, यदि ये बाई में जाना है तो कैसे बाई होगा, यही वो रेंज होगा जहां पे डिसाइड होगा, यही वो रेंज, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज, ये दो रेंज ऐसा रेंज है जहां पे बायर डिसाइड करेगा कि क्या उसके पास ताकत अब बचा है ऊपर ले जाने का या नहीं बचा है, या फिर सेलर के हाथ में चला गया। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, या तो ये जो है यहां पर है, ठीक है, आने के बाद कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करे या कोई एक जोन का फॉर्मेशन करे और उस जोन का अपर लेवल ब्रेक कर दे, ठीक है, ऊपर साइड में ब्रेक कर दे, उस परिस्थिति में आपका बाई हो जाएगा और फर्स्ट टारगेट यहाँ का होगा 331.50 से 332.50 का, सेकंड टारगेट 336.50 से 337 का, ठीक है, फोर्थ टारगेट 345 का, फोर्थ टारगेट होगा 345 का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जाता है मार्केट, जाने के बाद कोई 15 मिनट का कैंडल जो है इसको ब्रेक कर देता है, ऊपर साइड में ब्रेक कर देता है, तो आप इसके हाई पर बाई लगा लीजिएगा, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आपका बाई में चला जाएगा। ठीक है, यहां से फिर आपका टारगेट होगा 336.50 से 337 का और उससे ऊपर 345 का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको हम लेवल्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, सेल साइड का क्या लेवल्स होगा, बाय साइड का क्या लेवल्स होगा, पहले सेल साइड का हम लेवल्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये है एक रिस्की ट्रेडर का, रिस्की ट्रेडर कैसे ट्रेड करेंगे, और एक साइड में हम लिख दे रहे हैं सेफ ट्रेडर कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग क्या है, रिस्की है या फिर सेफ है,
उसी के अनुसार आप ट्रेड कीजिएगा। रिस्की ट्रेडर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला दो जगह आप लोग का एंट्री बन रहा है, या तो मार्केट यहां पे जाता है और रेसिस्टेंस लेने लगता है यहां पे इस जगह पे, मतलब 331.50 से 332.50, 332.50 का ये जोन के पास जाता है और रेसिस्टेंस लेने लगता है, ठीक है। उस परिस्थिति में आपका जो कैंडल बियरिश होगा उसके लो पर आप सेल मार सकते हैं, मतलब ये एंट्री पॉइंट हो सकता है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला जोन, ठीक है। ये आपका रिस्की ट्रेडर के लिए बता रहे हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, 100% ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा, कंफर्म बता रहे हैं इस चीज को, ठीक है। दूसरा ट्रेड आपका कैसे होगा, दूसरा ट्रेड आपका होगा कोई एक मिनट का कैंडल, ये वाला जो 326.70 से 326.35 का ये जोन को अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति में इसके लो पर आप ट्रेड उठा लीजिएगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक किया है एक मिनट का, इसके लो को जैसे ही आपका ब्रेक करेगा, पहला टारगेट इस रेंज तक आ जाएगा, तुरंत क्विकली आएगा, तनिक भी देर नहीं करेगा, हो सकता है एक ही दो कैंडल में आ जाए एक मिनट का, लेकिन क्विकली आएगा। अब आपके लिए बेनिफिशियल क्या है ध्यान दीजिए, यहां पे आने के बाद दो सिनारियो अपनाएगा, पहला सिनारियो क्या हो सकता है, या तो उसी फ्लो में इसका ब्रेकडाउन दे दे, अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए सबसे बेस्ट है सिनारियो, यदि ब्रेकडाउन मिल गया तो, ब्रेकडाउन मिल गया आप कंफर्म रहिए, अब आपको कोई इसमें इस ट्रेड में अब लॉस नहीं कराने जा रहा है, ठीक है। आपका यहां पे तो ध्यान दीजिएगा सेकंड एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, 326.70 से लेकर के 326.35 का ये जोन, ठीक है, ये दो जगह एंट्री बन सकता है, ठीक है, दोनों एंट्री समझ गए। इस परिस्थिति में जो आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट वन, ये टारगेट तो है छोटा लेकिन आप रिस्की भी तो हैं, आप 35 पैसा का रिस्क लिए हैं, ठीक है। जैसे 35 पैसा का कैसे रिस्क होगा, यदि आपका यहां से रिवर्स अगर करता है, ठीक है, आप टारगेट नहीं लिए, आप अगर रिवर्स कर गया, उस परिस्थिति में क्या है, 326.70 के ऊपर कोई एक मिनट के कैंडल का क्लोजिंग हो गया, ठीक, और उस कैंडल के हाई पर आप स्टॉप लॉस तुरंत प्लेस कर दीजिए, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो जोन है ये 15 मिनट का, ये जोन है 15 मिनट का, ध्यान दीजिएगा 15 मिनट का, और ये वाला ट्रेंड लाइन दोनों जो है वो एक मिनट का है, एक मिनट का है, ठीक है। तो जो जो मिनट हम बता रहे हैं वही चीज ध्यान दीजिएगा, पहला जो आपका टारगेट होगा 324 से 322.50 का, यदि इसको ब्रेक कर दिया तो टारगेट टू आपका जो है वो बहुत बड़ा है, टारगेट टू आपका 310.75 से 308 का है, ठीक है। ये सिनारियो आपका रिस्की ट्रेडर का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज बता रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कल के ट्रेड में। अब है सेफ ट्रेडर के लिए, सेफ ट्रेडर, सेफ ट्रेडर सबसे पहले जान लीजिए, ये जोन और ये जोन और इसके नीचे वाला जोन टोटल है 15 मिनट टाइम फ्रेम का जोन, ठीक है, 15 मिनट का ये कैंडल में देखिएगा, मतलब आपका बाई या सेल का जो सिनारियो बनेगा उस एरिया में वो 15 मिनट में ही बनाइएगा, ठीक है। मार्केट हो सकता है कि कल के दिन यहां पर जाए और रेसिस्टेंस लेते हुए देखे और कोई बियरिश कैंडल फॉर्म कर दे, ठीक है। बियरिश कैंडल 15 मिनट में जैसे फॉर्म हुआ उसके लो पर आप लोग एसएल ऑर्डर लगा दीजिए, मतलब एंट्री करने के लिए एसएल ऑर्डर, जैसे उसका लो ब्रेक होगा वैसे ही आपका एंट्री हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री जो होगा वो आपका है 331.50 से 332.50 का एंट्री पॉइंट बनेगा, ये एंट्री है, ठीक है। सेकंड क्या कर सकता है मार्केट, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन हो और ये वाला जो जोन है ये जोन को ब्रेक डाउन कर दे, मतलब सेकेंड एंट्री जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये सब है 15 मिनट में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में 322.50 से 324 का जो जोन है, इस जोन को 15 मिनट का कैंडल
क्रॉस कर जाता है और क्लोजिंग दे देता है क्रॉस करके, उस परिस्थिति में इस जगह पे एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो जगह आपका एंट्री हो सकता है। आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, ये सेल साइड के लिए बता रहा है, सेल साइड के लिए बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा इस परिस्थिति, अगर यहां पे एंट्री लिए, इस जगह पे एंट्री लिए, तब तो फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा, फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा। अगर आप यहां पे एंट्री लिए, इसको ब्रेक करने के बाद, उस परिस्थिति में जो टारगेट होगा फर्स्ट, वही आपका जो है 310.75 से 308 का जोन, ये सेल साइड का, ठीक है। अब आते हैं बाय साइड में जाएगा तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। जैसे इसी फ्लो में गया और 332.50 के ऊपर कोई 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग दे दिया, तो इसके हाई पर आप क्या कीजिएगा, बाय का ट्रेड बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही हाई क्रॉस हुआ, आपका बाय एंट्री हो गया, उस परिस्थिति में जो है आपका जो टारगेट होगा वो पहला जो है 336.50 से 337 का टारगेट वन होगा। टारगेट वन जो है 336.50 से 337 का फर्स्ट होगा। टारगेट टू जो है 345 का है, ठीक है, टारगेट टू। अब सेकंड सिनारियो क्या कर सकते हैं बाई साइड में, बाई साइड में सेकंड सिनारियो क्या हो सकता है। मार्केट यहां पर आया बहुत तेजी से, यहां पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। दो चीज यहां पर फॉर्मेशन कर सकता है, या तो बुलिश बाई में अगर इसको जाना है तो दो चीज का फॉर्मेशन, या तो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, या फिर यहां पे एक रेंज बना ले, रेंज बना करके ये अपर साइड में ब्रेक कर दे, इस रेंज का, ये जो रेंज है इसका अपर साइड में ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक करेगा बाई का एंट्री बना लीजिएगा। टारगेट वन जो होगा वो उस परिस्थिति में जो आपका जो टारगेट वन जो होगा, टारगेट वन उस परिस्थिति में 331.50 से 332.50 का फर्स्ट टारगेट होगा। टू क्या होगा, 336.50 से 337 का सेकेंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट क्या होगा, 345 का थर्ड टारगेट होगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें एसबीआई में, एसबीआईएन में यदि आपको ट्रेड करना है तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आपको चार्ट का एनालिसिस कर करके दिया हुआ है, और मेरे हिसाब से 100% ये कल के ट्रेड में वर्क करना चाहिए और अच्छा प्रॉफिट आप सब बनाएंगे। हमको ये कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा आशा है कि आप लोग इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने जा रहे हैं कल के दिन। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अपने अपने चार्ट में लगा लीजिएगा, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, कैसे कौन सा ट्रेड है, कौन सा लाइंस कैसे खींचा हुआ है, ये सब पॉइंट्स को लगा लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स आप लोग से डिस्कस किया हुआ है, जो भी इसके नीचे का जो पॉइंट्स है, जो भी डिस्कस किया हुआ है वो सब। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है कल के दिन प्रॉफिट अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।